आज हम लोग आए हुए हैं मिस्टर ध्रुवज्योति भट्टाचार्य जो रेनाउंड व्हिपेट ब्रीडर हैं एंड बेसिल हाउंड भी ब्रीड करते हैं एंड ऑल ओवर वर्ल्ड में इनका नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है। तो हम आज सर से पर्टिकुलर व्हिपेट जो ब्रीड है इनके बारे में बहुत कुछ सीखेंगे एंड जो चीज हम लोग नहीं जानते उसका बारे में आप लोग जान पाओगे ये वीडियो के द्वारा। तो वेलकम टू डॉगीज लैब सर। थैंक यू। आप ये पर्टिकुलर ये जो ब्रीड कब से सर ब्रीड कर रहे हो? मैं देखिए 1995 में पहला मैंने व्हिपेट लिया था एक फीमेल, तो उसी के दौरान मैं अपना ब्रीडिंग प्रोग्राम चालू किया। मैं एक फीमेल लिया, उसके बाद एक और फीमेल लिया और उसके बाद उसी नेक्स्ट ईयर 1996 में मैंने एक जो है कि आपका वो मेल लिया था। तो ये मेरा ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है ये 1997 से मेनली चालू हुआ, जबकि मैं शो चालू किया हूँ 1995 से व्हिपेट शो कर रहा था। इसके पहले मैंने दूसरा ब्रीड शो किया बट पर्टिकुलरली व्हिपेट्स हमने शो चालू किया था 1995 से और ब्रीडिंग चालू किया है मैं 1997 से। अच्छा, तो सर ये पर्टिकुलर जो व्हिपेट आता है ये सर कौन सा कंट्री से ये बिलोंग करता है? देखिए व्हिपेट एक्चुअली ब्रीड ऑफ ऑरिजिन इज इंग्लैंड। तो आजकल क्या है कि इंग्लैंड के अलावा ऑल ओवर वर्ल्ड ये ब्रीडिंग होता है और शो भी होता है ऑल ओवर वर्ल्ड। हमारे देश में थोड़ा इसका डिमांड पहले उतना था नहीं, बट आजकल क्या हुआ कि आजकल थोड़ा इसका क्रेज बढ़ने लगा है और व्हिपेट्स कुछ व्हिपेट्स को लाइनअप भी मिल रहा है, कुछ लाइनअप विनिंग्स भी हो रहा है। तो कंट्री ऑफ ऑरिजिन अगर देखा जाए तो वो मेनली इंग्लैंड ही है। अच्छा, तो ये पर्टिकुलर ब्रीड को किस पर्पस से ब्रीड किया गया? ये एक्चुअली पहले तो ये क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ये जो वर्कर्स इंग्लैंड में रहते थे और ये लोग मेनली क्या होता है कि वो एक रेसिंग का गैम्बलिंग करते थे, तो इसमें इन लोग के पास उतना जगह नहीं था कि ये ग्रे हाउंड्स को रखे या कोई बड़ा रेसिंग हाउंड्स रखे। तो इन्होंने ये शॉर्टर वैरायटी ऑफ जो ब्रीड हुआ तो उसको व्हिपेट को ब्रीड किया। तो व्हिपेट्स को जो है कि ये रेसिंग पर्पस के लिए किया जाता था और इससे भी एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, उसके बाद यह रैबिट हंटिंग में बहुत यूज़ होता है। व्हिपेट्स खूब बहुत ही अच्छा रैबिट हंटर्स होते हैं, तो यही इसका मेन पर्पस है। ये क्या हाउंड ग्रुप से बिलोंग करते हैं? यस, देखिए हाउंड ग्रुप में जनरली दो कैटेगरी आते हैं, एक तो क्या है साइट हाउंड्स होता है जिसमें वे व्हिपेट आता है और दूसरा जो है कि सेंट हाउंड्स आता है जैसे बैसेट हाउंड और बीगल होता है। व्हिपेट के अलावा और भी कुछ और भी साइट हाउंड्स है जैसे ग्रे हाउंड है, इसमें फैरो हाउंड्स है जो हमारे देश में पाए नहीं जाते। हमारे देश में साइट हाउंड्स में मेनली जो है व्हिपेट्स अफगान हाउंड्स और कुछ सलूकीज पाए जाते हैं जो फॉरेन ब्रीड्स है, और हमारे देश में इंडियन जो एथनिक ब्रीड्स जो है जो हमारे देश में पुराना, उसमें कारावान हाउंड्स, मुधोल हाउंड्स, राजपालयम, छिपीपराई, कन्नी और रामपुर हाउंड जैसे कुछ और भी साइट हाउंड्स होते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो डॉग ब्रीड है ये व्हिपेट अभी बहुत सारा जो पुलिस का आपका ट्रूप है उसमें एंड आपका पैरामिलिट्री फोर्स में भी ये व्हिपेट अभी नहीं, व्हिपेट उतना यूज नहीं होता है, जो होता है वो कैरावन हाउंड आजकल आर गुड वर्कर्स, तो इसी के कारण कैरावन हाउंड हमारे आर्मी में इंट्रोड्यूस किया गया है। अच्छा, और ये फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए ये क्या पर्टिकुलर? यस, मैं आपको बोलूँ कि जैसे कि हमारे लाइफ जो आजकल है जो सिटी लाइफ कॉन्सेंट्रेटेड है, मेनली सिटी में हम लोग रहते हैं, फ्लैट्स अपार्टमेंट्स इसमें हम लोग रहते हैं वेयर द स्पेस हमारे कम है, तो उसमें व्हिपेट इज़ अ वेरी गुड ब्रीड टू बी केप्ट इन अ फ्लैट और इन अ स्मॉल स्पेस, प्रोवाइडेड क्या कि आप इनको सफिशेंट एक्सरसाइज कराओ। और जहाँ तक टेम्परमेंट का सवाल है तो ये लाजवाब टेम्परमेंट है, कोई भी एक बार व्हिपेट पालना शुरू करे तो वो एक से नहीं रुक सकते हैं। और इसका इतना सुंदर इसका एटीट्यूड है, ये बहुत ही क्लीन और बहुत ही टाइडी ब्रीड है जिसको बोलते हैं, साफ सुथरा बहुत रहता है। हाँ, एंड ये बहुत ही लविंग होता है, नॉट एट ऑल कोई भी कारण से इसका अग्रेसिवनेस जिसको हम लोग बोलते हैं ये नहीं दिखाते हैं। हाँ, स्ट्रेंजर आने से कोई अनजान आदमी आने से बार्क जरूर करते हैं, बट ये किसी को वैसे काटता नहीं है और
बहुत ही लविंग ब्रीड है, बहुत ही प्यारा ब्रीड है। अच्छा, तो एक्चुअली देखा जाए कि ये बेसिकली लोगों का एक माइंड सेटअप है कि पर्टिकुलर जो हाउंड ग्रुप का ब्रीड है वो थोड़ा सा एग्रेसिव होता है, थोड़ा उसका बाइटिंग टेंडेंसी होता है, उसका थोड़ा पालना थोड़ा मुश्किल होता है। नहीं, मैं ये बात आपसे, ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल ये जो धारणा इनके है मन में है ये गलत है। ये बहुत ही अच्छा प्यारा ब्रीड होता है। हाँ, बल्कि इनको थोड़ा सा हाउंड होने के कारण इसके जिन पूल में हंटिंग है, इसीलिए ये क्या है कि थोड़ा सा कभी कभी शाई होता है। बट सबसे बड़ा चीज़ इंपॉर्टेंट जो है कि इनको एक्सरसाइज, अगर बाहर का एक्सरसाइज दिया जाएगा तो दे आर वेरी लविंग, दे आर वेरी लविंग। वो बहुत ही प्यारा है। आप हमारे घर में आए हो, आप हम देख रहे हो, कोई आपको कुछ, आप स्ट्रेंजर है, आप अनजान आदमी है, कोई आपको कुछ नहीं कर रहे, तो वो बहुत ही प्यारा ब्रीड है। हाँ, हंटिंग के इनके जिन पूल में होने के नाते ये एक्सरसाइज करता है और ये चेज करता है, थोड़ा कोई स्मॉल एनिमल्स को चेज करने का आदत इनके अंदर में है। जी जी जी। और एक्चुअली ये पर्टिकुलर ब्रीड को कितना टाइम तक आपका एक्सरसाइज दिया, मतलब राइट, ये देखिए ये तो रेसिंग डॉग्स है, तो इसके लिए आप जानते हो एक एथलीट का, एक क्रीड़ाविद का कैसे वो मूवमेंट्स होता है, कितना इनका वर्कआउट होता है। तो वैसे ये दे आर द एथलीट्स, ये लोग एथलीट है, ये लोग क्रीड़ाविद है, और इसको कोई भी डॉग को देना पड़ता है आपको एक्सरसाइज, तो इनको भी देना पड़ता है मोटा मोटी मानो 5 किलोमीटर वॉकिंग। अच्छा। और फ्री रनिंग एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स एवरी डे, रोज का 10-15 मिनट का फ्री दौड़ इनके लिए ठीक रहता है, एकदम कंपलसरी है। हाँ। अच्छा, और पर्टिकुलर इसका जो खान पान है, हाँ, ये खान पान इसको आपको रेगुलेट करना रहता है, क्योंकि इनको स्लिम, ये स्ट्रीमलाइन बॉडी है इनका, क्योंकि विपेट को जो है कि बोला जाता है कि डॉग्स में सबसे फास्टेस्ट है, तो इसीलिए इनको खान पीन का ध्यान आपको जरूर अच्छा से रखना पड़ेगा, ताकि इसमें अंदर में कोई फैट ना आ जाए। अच्छा। तो ये आपको जो है डाइट, इसके फैट फ्री डाइट विद फाइबर्स ज़्यादा देना पड़ता है, फैट फ्री देना पड़ता है। तो आप क्या खाने में देते हो इसको? देखिए हमारे यहाँ पर ड्राई फूड चलते हैं और हॉलिस्टिक फूड जो है चिकन एंड राइस भी दिया जाता है, उसमें राइस का क्वांटिटी थोड़ा लिमिटेड रहता है, मेजर्ड रहता है। कुछ कुछ विटामिन जो है कभी कभी जरूरत पड़ने में दिया जाता है। वैसे अगर डॉग फूड आप खिलाते हो तो ऐसा जरूरत नहीं पड़ता है, बट वर्किंग डॉग्स के लिए हाँ कुछ कुछ सप्लीमेंट दिया जाता है, पर्टिकुलरली हमारे यहाँ पर विंटर के टाइम पे ये सप्लीमेंट देने से अच्छा रहता है। अच्छा, एंड इसका जो मेंटेनेंस है ये तो बहुत सारा, मतलब इसका मेंटेनेंस बहुत ही लो है। यस, ये इजी मेंटेन डॉग है, एक्सरसाइज अगर दिया जाए तो ये इजी मेंटेन डॉग है, वैसे देख रहे हो आप स्मूथ कोट है जी, इनके कोई दिक्कत नहीं है। और पर्टिकुलर ये ब्रीड में बहुत ही बहुत गिने चुने ब्रीडर क्यों मिल रहा है? बिकॉज ये क्या है कि किसी किसी ने, कोई कोई बोलता है कि ये हिरन जैसे दिखता है, इसको खाना नहीं दिया जाता है, तो ये सब कॉन्सेप्ट हमारे, ये सब आइडियाज हमारे मन में है, इसीलिए गिने चुने ब्रीडर इसको ब्रीड करते हैं। बाकी आप इंडिया में आजकल थोड़ा पॉपुलर हो रहा है, बैंगलोर में मेरा एक फ्रेंड है वो भी काफ़ी, निहाल बोल के, वो भी काफ़ी ब्रीडिंग कर रहा है, चेन्नई में चंद्रू जी है वो भी ब्रीडिंग कर रहा है, हेमंत है चेन्नई में वो भी करते हैं। और जहाँ तक ब्रीड, ये देखिए क्या है कि क्योंकि इनका पॉपुलैरिटी कम होने के कारण इसका सेल प्राइस ज़्यादा नहीं होता है, तो इसीलिए कॉमन ब्रीडर्स और कॉमन पीपल, इसमें साधारण आदमी जो है इसको ब्रीड करने में पसंद नहीं करता, क्योंकि इससे मॉनेटरी रिटर्न अभी उतना नहीं दिखता है। अच्छा, तो एक्चुअली सर आप ये जो बात बोल रहे हो ये आपका कमर्शियल बात है कि उतना पैसा नहीं मिलता ये ब्रीड करने से, तो आप ये ब्रीड क्यों चुने? नहीं देखिए, ये मैंने जब पहले इनको, मैं जो पहले विपेट जो मैंने लिया, वेरी गुड क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैंने जब पहला विपेट लिया तो उस विपेट ने इंडिया फेम किया, उन्होंने अपना लाइफ टाइम में पूछा नहीं बोल के, वो विपेट था 50 cc 50 cc उनको मिला, उनको बेस्ट इन शो, सेकेंड बेस्ट इन शो नवाब अहमद, नवाब नज़ीर यरजंग जो हैदराबाद नवाब घराने से है, उन्होंने उसको बहुत अप्रिशिएट करके उसको भी सेकेंड बेस्ट इन शो दिए थे। तो इसके कारण जो है मेरे ये ब्रीड के ऊपर एक पैशन आ गया, तो मैंने इनको ब्रीड करने के बाद देखा ये बहुत ही प्यारा बच्चा है, प्यारा, बहुत प्यार करता है, बहुत प्रोटेक्टिव है, वैसे घर में भी बहुत अच्छा एडजस्ट कर लेते हैं, तो इसीलिए मैं, मेरे को इससे जो है एक तो लगाव पड़ गया है। हाँ, तो लगाव, जब लगाव पड़ जाता है आदमी का, शौक होता है, लगाव पड़ जाता है तो आदमी पैसा नहीं देखता है, तो इसीलिए मैंने इस ब्रीड को चुना है। अच्छा, तो सर आपके जितने सारे विपेट मैं देख रहा हूँ ये मैक्स टू मैक्स आपका इंपोर्ट किया है, और आपका जो सारे जो बाहर का जिन पूल से है, तो
इंडिया में बिल्कुल उतना अच्छा नहीं है बोल के क्या बाहर का? हाँ, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि ये पॉपुलर ना होने के कारण ज़्यादा आदमी इनको इम्पोर्ट नहीं किए हैं। जो गिने चुने जो आदमी दो एक जन है जो साउथ इंडिया में, जैसे विजय बालासुंदर बोल के एक है, उन्होंने इम्पोर्ट किया था, मैंने उनसे एक लिया। अच्छा। और डिफरेंट जिन पूल के लिए मेरा एक और फ्रेंड है रोहन मेनन, वो कोयम्बटूर रहता है, उन्होंने एक इम्पोर्ट किया तो मैं उनसे लिया। और बाकी उनके उनके जो ब्रीडिंग से पपीज मैंने लिया, उन्हीं को मैं फाउंडेशंस बनाया, बिच वहाँ से बिच रखा, तो एक दो ठो। उसके बाद क्या हुआ कि जब देखा कि जिन पूल का कमी हो रहा है तो मैंने जो है कि इम्पोर्ट किया, मैंने दो इम्पोर्ट किया हूँ अब तक, ये एक हांगकॉन्ग से है और एक हंगेरी से। तो एक हांगकॉन्ग वाले जो है वो टोटली बेस्ड ऑन न्यूजीलैंड लाइक्स, और हंगेरियन वाला जो है वो यूरोपियन ब्लड लाइन से है। सो दोनों डिफरेंट जीन पूल लाके मैंने इसको इम्प्रूव करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये ब्रीड को तो केसीआई बहुत अच्छे से अभी फोकस कर रहा है ये पर्टिकुलर ब्रीड के ऊपर, तो और क्या करने से ये और पॉपुलर होगा? देखिए, मैंने अपना इंटरव्यू में, इंडियन कैनल गैजेट का इंटरव्यू अप्रैल एडिशन में, मैंने ये बोला है कि शो के विनिंग के लिए ये ब्रीड बहुत ही अच्छा है। अच्छा। लो कॉस्ट मेंटेनेंस बट हाई विनिंग एबिलिटी, माने आप इनके ऊपर खर्चा कम है किंतु इनको विनिंग प्रॉस्पेक्ट जो है, जीतने का जो पॉसिबिलिटीज है, जीतने का जो अपॉर्चुनिटी है, इनको बहुत है। तो केसीआई तो इसमें लगा रहता है, केसीआई इनका काफ़ी सारा इश्यूज ने दो एक इश्यूज निकाले, हमारा भी इंटरव्यू लिए हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं इंडिया और अब्रॉड, दोनों से इंटरव्यू इन्होंने लिए हैं, और इनको पॉपुलर करने के लिए हम इनको ब्रीड कर रहे हैं ना, हम इनका पपीज़ जो है रीजनेबल प्राइस पे शो हाउस पे देने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा ज़्यादा लोग शो ग्राउंड्स में आए अपना ये विपेट लेके। एंड जैसे कि डोबरमैन हमने देखता है कि डैक्शन में देखता है कि 25 30 40 एंट्री होता है विपेट, वहाँ पर कभी 5 तो कभी 6-7 एंट्री होता है। तो इसको बढ़ाने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि दो थोड़ा सा ब्रीडिंग प्रोग्राम बना रहे हैं, लोगों को सोशल मीडिया पे इनका एडवर्टाइज़ किया जा रहा है, पीपल को हम लोग कन्विंस कर रहे हैं कि आप ये ब्रीड रखो, आप ये ब्रीड लो और आप इसको डॉग शो में लेके आओ, जीतेगा और ज़रूर जीतेगा, अच्छा क्वालिटी ब्रीड करने से काहे नहीं जीतेगा, जरूर जीतेगा, यही हम इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत प्यारा है, इसका टेम्परमेंट भी बहुत अच्छा है, जीतने की भी पॉसिबिलिटी है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट है, तो फिर आप पीछे क्यों हैं, आप आगे आ जाओ। तो यही हम कोशिश कर रहे हैं इसको। इंडिया में लगभग इसका प्राइस रेंज कितना से स्टार्ट? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि कुछ कुछ ब्रीडर्स जो है जो पुअर क्वालिटी है ब्रीड कर लेते हैं और उसको जो है कि सेल आउट करने के लिए 15,000-20,000 में दे देते हैं, बट अच्छा वाला क्वालिटी शुड बी नेवर शुड बी लेस देन 45,000, 45,000-50,000 से नीचे नहीं होना चाहिए अच्छा क्वालिटी वाला, जो शो में शो विनिंग प्रॉस्पेक्ट्स जिनके हैं वो 45,000-50,000 के नीचे नहीं बिकना चाहिए। अच्छा, तो सर जो नया डॉग ओनर या डॉग लवर ये ब्रीड को लेना चाहते हैं तो उसको क्या देख के लेना चाहिए और वो उसको कैसे समझ में आएगा कि ये प्योर है और ये आपका? नहीं, वो तो कोई रेप्यूटेड ब्रीडर्स के पास जब जाएगा तो उसका जो पेपर्स वगैरह है, उसके खुद घर में जाओ, उसके फादर मदर को देखो, पपीज़ देखो, उसके बाद ही तुम लो, और उसके बाद जो है उसका पेपर्स चेक करो, उसके फादर मदर का पेपर चेक करो, पूछो वो केसीआई रजिस्टर्ड है कि नहीं, या उसका पेरेंटेज क्या है, उसको देखो ज़्यादातर। जैसे कि आप कोई हमारे घर आता है तो मेरे पास 4 generation विपिट्स है, द ग्रेट ग्रैंडमदर है, ग्रैंडमदर है, मदर है और उनका बेटी है। अच्छा। तो यू कैन कम एंड सी एंड उसका पाप इसको देखो, आप उसको वो माइक्रोचिप्ट होता है, जो प्रॉपर ब्रीडर होता है वो माइक्रोचिप करके बेचते हैं। क्वालिटी के बारे में वो आपको ब्रीडर के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि ब्रीडर अगर ट्रस्टेड है तो ही विल डेफिनेटली, ही और शी विल डेफिनेटली आपको सबसे अच्छा बढ़िया वाला जो है वो चुन के देगा आपको। अच्छा। और दिन में इसका खान पान कितना बार? दिन में मैक्सिमम 2 times हम देते हैं, 2 times, 1 इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द इवनिंग। बस और सर इसका जो आपका ये जो ट्रेनर है ये मतलब आप ही ट्रेन करते हो? नहीं, मैं तो शो में खुद ट्रेन करता हूँ, अभी इसमें इसके साथ मेरा एक ट्रेनर अभी है, हैंडलर कम ट्रेनर है वो, उसका नाम है सुमन दास बोधन बोल के। अच्छा। तो वो भी करता है, वो भी मेरे को हाथ बटाता है, और बाकी मेरा वाइफ घर का मेंटेनेंस में, मेरा वाइफ और ये जो हमारे जो हमको हमारा हेल्पर है घर में वो विशु बोल के, वो भी हेल्प करता है, और बाकी जो शो का हैंडलिंग है वो मैं और बोधन मिल के करता हूँ। अच्छा, तो अच्छा इसमें ये पर्टिकुलर जो ब्रीड है विपेट, इसमें कुछ अलग अलग साइज का आता है क्या? नहीं नहीं नहीं, विपेट का साइज कुछ अलग अलग नहीं होता है, ये एक ही इनका जो ब्रीड स्टैंडर्ड के हिसाब से डॉग्स जो है कि वो 20 इंचेस और बीचेस 18-19 inches। अच्छा। एंड शोल्डर माने हाँ कांध तक, शोल्डर तक। और सर एक तो जो पर्टिकुलर एक तो विपेट हाथ में लेके थोड़ा प्योर को दिखला दीजिए,
कि उसका मार्किंग कैसा होना चाहिए, उसका अपना बॉडी का एनाटॉमी कैसा होना चाहिए, ये थोड़ा आप दिखा दीजिएगा तो थोड़ा अच्छा होगा। स्टे ऐसा, ये इसका पोस्चर रहता है। अच्छा। शो में, शो ग्राउंड्स में भी ये ऐसा ही खड़ा होना होता है। जी, 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 ये मेरा हंगेरियन इंपोर्ट है। तो सर आपका ये पर्टिकुलर विकेट आप कितना सारा सर शो में विनिंग किया है? देखिए मेरा तो बहुत सारा विनिंग किया है, ये सब मेरे घर में जितने भी विकेट्स है एक को छोड़ के, बाकी सभी दो को छोड़ के, क्योंकि अभी कोरोना पीरियड चल रहा था बोल बल के शो बंद है, इसीलिए मेरे सभी चैंपियंस हैं और कुछ लाइनअप है, बल्कि मेरा ये हंगेरी जो जिन्होंने जिसको मैंने अभी आपको दिखाया ये तो हंगेरी में भी चैंपियन ग्रैंड पापी ग्रैंड विनर होके आया है। अच्छा, और बाकी जितने भी है सभी कोई कोई ना कोई हर एक डॉग्स जो है चैंपियन है और ग्रुप विनर्स भी इसमें कुछ कुछ है और एक दो है जो लाइनअप भी जीता है। तो सर एक पर्टिकुलर जब शो सीजन स्टार्ट होता है तो आप कलकत्ता के बाहर भी जाते हैं? हाँ, देखिए अभी तो क्या है कि कोरोना के लिए शो बंद है, अभी लास्ट जो 2019 तक जितने भी शोज हुए हैं या 2019 का एंड या 2020 का भी, इसमें हम लोग जमशेदपुर गए थे और इसमें भी गए थे, आपको भुवनेश्वर भी होता है, भुवनेश्वर भी मैं गया था। तो ये सब जगह मैंने गया था। हाँ, बाहर भी जाते हैं, बहुत लोग दूर दूर से आते हैं, नॉर्थ इंडिया के लोग साउथ इंडिया जाते हैं, साउथ इंडिया के लोग नॉर्थ इंडिया जाते हैं, ऐसा बात नहीं है। शो एक ऐसा चीज़ है जो सब एग्जिबिटर करना चाहे, जो बड़ा बड़ा ट्रॉफीज विनिंग करने के लिए करता है वो भी सारा इंडिया घूमते रहते हैं, है? कभी फ्लाइट से हो, कभी ट्रेन से हो, तो या कभी अपने खुद का गाड़ी से हो। और ये आपका आपका ये जो आपका लाइन आपका जो डॉग है कंटिन्यूअसली जो आपका विनिंग है, तो उसका सीक्रेट क्या है? देखिए मैं ये चीज़ मैंने 1995 से, मेरा एक दोस्त था वो अभी दुनिया में रहे नहीं, पिंकू चक्रवर्ती बोल के, तो मैं उनके साथ ये ब्रीड जब चालू किया था तो मैंने इसको ब्रीड स्टैंडर्ड अच्छा से पढ़ा, इसका समझा और मैं उस क्वालिटी ब्रीड करना चाहता हूँ। मेरा जो विनिंग है, मेरा जो घर में जो प्रॉपीज है, मैं उसको थोड़ा सा एश्योरेंस के साथ दे सकता हूँ, अगर प्रॉपर मेंटेन किया जाए तो वो विन इसलिए करेगा क्योंकि उसका जो एनाटॉमिकल फीचर्स है, मैंने जो जिन पूल्स यूज़ किए हैं, जो क्वालिटी हमने प्रोड्यूस किए हैं, हैं वो ब्रीड स्टैंडर्ड से काफ़ी क्लोज है, इसीलिए जो जजेस ये ब्रीड को पसंद करते हैं, फॉरेन जजेस तो ये ब्रीड को बहुत ही पसंद करते हैं, तो इंडियन जजेस के थोड़ा सा कुछ कुछ है जो बहुत ही अच्छा समझते हैं इस ब्रीड को, अभी कुछ कुछ नए जजेस है जो नहीं भी समझते हैं, फिर भी इनके एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर अगर ये खड़ी हो जाए रिंग पे तो ये इतना सुंदर दिखता है कि ये जीतेगा ऐसा लगता है। तो मैंने ये क्या है कि वो एनाटॉमी के ऊपर और जिन पुल के ऊपर करके ऐसा मैचिंग करता रहता हूँ कि ताकि वो क्वालिटी अच्छा क्वालिटी प्रोड्यूस हो जो ब्रीड स्टैंडर्ड के काफ़ी नज़दीक हो और उसमें वो जीत सके। और इसमें एचडी का प्रॉब्लम आता है क्या? ना हिप्स का कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आता है क्योंकि ये रेसिंग डॉग है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इनके हाइंड पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। अच्छा। थोड़ा सा हाइंड एंगुलेशन इनका है ज़्यादा तो वो इसको पावर जनरेट करने के लिए, बट नहीं हिप्स का प्रॉब्लम नहीं आता है। और इसमें क्या कुछ बाइक का इशू है जैसे बाइट आउट बहुत सारा ब्रीड में होता है, बाइट आउट होता है? ना, इसमें जो है इसमें प्रॉब्लम जो है कि ये टेस्टिकल्स प्रॉब्लम्स होता है, बाइट का प्रॉब्लम उतना नहीं होता, इसका सीजर बाइट जो है इज द करेक्ट बाइट जो है सीजर बाइट, किंतु इसका टेस्टिकल प्रॉब्लम्स क्या होता है कि जो मेल्स जो प्रोड्यूस होता है काफ़ी कभी वो क्या होता है उस टेस्टिकल्स होने के बावजूद भी वो स्क्रोटम में डिसेंड नहीं करते हैं, स्क्रोटम में नीचे नहीं आते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम होता है, कभी वो क्रिप्टोर्किड या मोनोर्किड हो जाता है तब बड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि इसको प्लेस करना मुश्किल रहता है, तो पेट होम्स में इसको क्योंकि वो शोर नहीं हो पाता है इसीलिए इसको पेट होम्स में देना पड़ता है, कभी कभी तो गिफ्ट कर देना पड़ता है। तो यही प्रॉब्लम विपेट में जो है वो उसे टेस्टिकल्स का प्रॉब्लम या जिसको हम लोग टॉर्किड्स प्रॉब्लम बोलते हैं, ये क्रिप्टोर्किड और मोनोर्किड्स प्रोड्यूस करते हैं, बट थोड़ा आप आउटक्रॉसेस करोगे, जीन पूल को आउटक्रॉसेस करोगे, अच्छा जीन पूल लेके आओगे तो इसको आप कम कर सकते हो। जैसे रिसेंट मैंने जो ब्रीडिंग किया है तो उसमें मेरे एक ही पपी जो है वो मोनोर्किड आया था, बाकी और कोनो अब तक तो अभी ये दो चार तीन लास्ट थ्री तीन चार लीटर में जितने भी मेल्स हुए हैं सबका कोई टॉर्किड इश्यूज नहीं है। अभी आपके पास क्या पप्स अवेलेबल है? हाँ, मेरे पास अभी एक लीटर हुआ है तो उसमें एक मेल है और तीन फीमेल है, तो एक फीमेल शायद ब्राज़ील जाएंगे, ब्राज़ील में एक रेप्यूटेड ब्रीडर है अल्बार्टो बोल के, उन्होंने एक फीमेल लेने का सोच के रखा है और बाकी जो है दो एक दो फीमेल और एक मेल अवेलेबल है मेरे पास, तो सर, वो शो क्वालिटी के लिए। और सर इसका लीटर साइज कितना होता है? लीटर साइज देखिए, मैं इंडिया में जितना मैंने देखा है, मैं बाहर में देखता हूँ कि कभी 7-8 भी होता है,
कभी नौ भी होता है, किंतु यहाँ पर जो ऑन एन एवरेज है 5 से 6 होता है, ऑन एन एवरेज है 5 होता है, 5 से 6 तक होता है। तो सर ये पर्टिकुलर बीट के लिए आपका फ्यूचर प्लान आप क्या सोच के रखे हो? देखिए फ्यूचर प्लान तो हमने ब्रीड करके कुछ अच्छे बच्चे अपने पास भी रिटेन भी किए हैं, उसको शो करना है, उसको ब्रीड करना है। हम आगे देखता हूँ कि हमारे इंडिया में तो अभी डॉग्स इंपोर्ट करना बैन है, मना है, तो अगर ये बैन लिफ्ट हो जाए तो एक आध जो अच्छा जीन पूल वाला डॉग लाया जाएगा है, और जो अवेलेबल बिचेस है उनसे करके इसको ब्रीड को इम्प्रूव करना पड़ेगा। हाँ काफ़ी, बट ये देख रहा हूँ कि काफ़ी आगे से, आज से 10 साल पहले जितना इंक्वायरीज था, जितना इस ब्रीड के पीछे मैंने ब्रीड के पसंद करने वाले थे, आजकल कुछ ज़्यादा इसमें इंक्रीज़ हुआ है, कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है, कुछ ज़्यादा लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, फ़ोन करते हैं, पूछते हैं, लेते भी हैं। अच्छा। और सर लास्ट आपका और एक क्वेश्चन है कि ये जो पर्टिकुलर डॉग ब्रीड है, ठीक है, इसका और मतलब लोगों में और तेजी से कैसे आप ये प्लान मतलब ये करो? देखिए इसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें 3 स्टेप्स होना चाहिए। एक तो अच्छा क्वालिटी ब्रीड करना, दूसरा इसको शो होम्स में डालना है ताकि लोग इसको डॉग शोज में ले जाए, और तीसरा जो है मैं जजेस से अपील करता हूँ कि अगर उनको अच्छा क्वालिटी अच्छा लगे तो उसको लाइनअप में प्लेस करें। सो ये 3 स्टेप्स के दौरान इस ब्रीड को और भी पॉपुलर किया जा सकता है इंडिया में। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपको डॉग नेट को टाइम देने के लिए, और उम्मीद करता हूँ और वीडियो में आपको आपके साथ किया जाए, एंड आपका ये जो पर्टिकुलर ब्रीड है और भी लोगों में पॉपुलर हो। और आज के लिए इतना, तो मिलते हैं कोई और नया वीडियो के साथ। थैंक यू।